हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बीज। माय नेम इज कैलाश तिवारी एंड दोस्तों, नाबार्ड गिरडी का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है, जिसका वेट एक लंबे टाइम से किया जा रहा था। 2 सितंबर से 23 सितंबर तक आप इस नोटिफिकेशन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप इसको जरूर फिल कीजिएगा। एक चीज ध्यान में रखिए, 40 डेज टू 45 डेज आपके पास है। ये टाइम सफिशियंट भी है, बट अगर आप वेस्ट करेंगे तो फिर मुश्किल भी हो जाएगी। ये टाइम बहुत अच्छे से आपको यूज करना है, क्योंकि आप सभी को पता है 8 सब्जेक्ट हैं। सुबह डिटेल में नोटिफिकेशन हमने डिस्कस किया था, आप आई होप कि आपने उससे रिलेटेड सारी चीजें देखी होंगी। जितने भी स्टूडेंट की क्वेरीज थी, हमने उन सभी क्वेरीज को आंसर किया है। भी आपने गूगल फॉर्म में क्वेरीज भेजी थी, आपकी जो भी क्वेरीज है अभी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसमें शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की कि कैसे डे वाइज आपको टारगेट करना है, सो दैट कि नेक्स्ट 40 डेज आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके सारे ही सारे 8 के 8 सब्जेक्ट्स को। तो वो स्टडी प्लान भी यहाँ पे अटैच है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसीज हैं, टोटल 150 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे जर्नलिस्ट में इस बार 77 वैकेंसीज है। एग्रीकल्चर में स्पेसिफिक वैकेंसीज नहीं है, IT में 40 है, फाइनेंस में 15 है। अब अपनी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि नाबार्ड का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कितनी सैलरी मिलती है, जो हम कहते हैं पैसा ही पैसा होगा, मौज होगी, वो कैसे होगी ये देखेंगे। पोस्टिंग्स क्या होती है, प्रमोशन क्या होता है, जॉब प्रोफाइल में काम क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हैंडसम सैलरी पर्क्स एंड अलाउंसेस, ये वीडियो हमने पहले ही बनाया था, आप देख सकते हो। सैलरी 1 लाख प्लस, और सैलरी 1 लाख प्लस आप देखेंगे नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है यहाँ पे, आप उन्होंने खुद ही मेंशन किया है। प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रॉस अमाउंट्स आर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज, 44,500 का बेसिक पे है। लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप देखेंगे जुलाई मंथ की, ये हमने आपके साथ पहले भी शेयर की थी। यहाँ पे बेसिक सैलरी आपको थोड़ा सा ज्यादा दिखेगी, क्योंकि इसमें 2 इंक्रीमेंट लगे हुए हैं। आप ये बैंकिंग स्टूडेंट समझ पाएंगे, या जो बैंक में जॉब कर रहे हैं, जिन भी स्टूडेंट्स का JAIB या फिर CAIB क्लियर होता है, तो उनको एडिशनल बेनिफिट मिलता है 2 इंक्रीमेंट के साथ। तो ये 2 बेनिफिट लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे टोटल अर्निंग 1,25,000 रुपीज है। तो आप समझ सकते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद ही जस्ट ये सैलरी कितनी हो सकती है। विदाउट इंक्रीमेंट देखेंगे 44,500, जो कि हर किसी भी स्टूडेंट की हो सकती है। और इसमें जो ग्रॉस अर्निंग है वो नियर अबाउट 98,000, और नेट पे 81,000 है। ये सिर्फ सैलरी का कंपोनेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी फैसिलिटीज या अलाउंसेस होते हैं, जिसमें कि हाउस रेंट और अकोमोडेशन। हालांकि नाबार्ड में जहां पे भी ऑफिसेज है स्टेट कैपिटल्स में, वहां पे अकोमोडेशन मिलती है, और उस अकोमोडेशन की कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 20,000 to 25,000 हो सकती है। मुंबई जैसे एरिया में आप समझ सकते हैं 2 BHK जो दिया जाता है वो, उसकी वैल्यू क्या होती है। कन्वेंस अलाउंस नियर अबाउट 150 लीटर पेट्रोल प्रोवाइड किया जाता है मंथली, टेलीफोन इंटरनेट न्यूज पेपर हर चीज के लिए अलाउंस दिया जाता है। हाउस होल्ड अलाउंस, LTC, अदर अलाउंसेस, फर्नीचर अलाउंसेस, सुरक्षा कूपन्स, हर चीज के अलाउंस मिलते हैं। वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी, हम कहते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर में अलाउंसेस हैं वो रहते ही हैं। वो तो नॉर्मल बैंक में भी आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिल दिखते हैं, बस यहाँ पे वेरी करता है उनका मार्जिन, ये कह सकते हैं। देन हम सीधे आते हैं जॉब प्रोफाइल में। सैलरी बहुत अच्छी है, मौज कैसे हो सकती है, अब आप समझ सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद 1 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी, और जिसके लिए आपको ये एग्जामिनेशन क्लियर करना है। जॉब प्रोफाइल क्या है, तो सबसे पहले तो प्रोफाइल क्या है असिस्टेंट मैनेजर का, ग्रेड ए यहाँ पे बोला जाता है। ओके, तो ऑफिसर लेवल में स्टार्टिंग नाबार्ड इंस्टीट्यूशन में ग्रेड ए से ही होती है। जैसे आप RBI में देखते हैं, वहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेड बी में होती है मैनेजर पोस्ट पे, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे होती है। यहाँ पे काम क्या करना है, फॉर द एग्रीरियन एंड द रूरल प्रोस्पेरिटी। आप देखेंगे नाबार्ड, अगर नाबार्ड का फुल फॉर्म आप देखेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो आपको एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स का ये पर्सपेक्टिव होता है कि हमें एग्रीरियन सोसाइटी या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करना है, ये जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है। इसके बाद आपको वर्क करना है पॉलिसी प्लानिंग में, मतलब आप स्टेट में, स्टेट कैपिटल्स में जनरली इनके हेड ऑफिसेस होते हैं, वहां पे आपको स्टेट में किस टाइप की एग्रीरियन पॉलिसीज हो सकती हैं, कैसे रूरल एरिया को डेवलप किया जा सकता है, उससे रिलेटेड चीजें होती हैं, प्लानिंग होती है, और उस प्लान को एग्जीक्यूट फील्ड लेवल पे बाकी जो फील्ड हम कह सकते हैं स्टाफ है वो करता है, जो कि बैंक भी हो सकते हैं, जो लाइन डिपार्टमेंट्स है वो भी हो सकते हैं। तो आप देखेंगे ये प्लानिंग लेवल का वर्क है, काफी अच्छा वर्क है। एक सोशल स्टेटस है, व्हाइट कॉलर जॉब है, ऑफिस टाइमिंग बहुत फिक्स है, या फिर हम कह सकते हैं हर सैटरडे संडे ऑफ है, तो जो वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात भी होती है वो भी यहाँ पे है। सो जॉब प्रोफाइल आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया ये जॉब प्रोफाइल है। इसके साथ साथ करियर में ग्रोथ एंड प्रमोशन, हमें आगे बढ़ना है।
तो असिस्टेंट मैनेजर में यहाँ से शुरुआत होती है, जिसको हम ग्रेड ए बोलते हैं, उसके बाद ग्रेड बी मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीजीएम, डीएमडी एंड देन चेयरमैन। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करते हैं तो आप चेयरमैन की पोजिशन पे भी पहुंच सकते हैं, जबकि नाबार्ड सॉरी आरबीआई ग्रेड बी में, ग्रेड बी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली गवर्नर ही बनेगी, क्योंकि गवर्नर की अपॉइंटमेंट डिफरेंट तरीके से होती है। यहाँ पे चेयरमैन पोजिशन पे आप पहुंच सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में या फिर नाबार्ड में प्रमोशन अच्छे होते हैं, रेगुलरली होते हैं, मतलब असिस्टेंट मैनेजर टू मैनेजर आप 3 to 4 या मैक्सिमम 4 ईयर कंप्लीशन के बाद आप बन जाते हैं, उसके बाद सिमिलरली 3 to 4 ईयर में असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और यही प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है। तो प्रमोशन होते रहते हैं और प्रमोशन होते हैं इसीलिए वैकेंसीज भी आती रहती है असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हर साल की रिक्रूटमेंट। पोस्टिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट कैपिटल्स में पोस्टिंग मिलती है, आप हर जगह देखेंगे आरबीआई के ऑफिस, नाबार्ड के ऑफिस हर एक स्टेट कैपिटल में होते हैं। इसके अलावा जो हम देखेंगे ट्रांसफर, जो भी हमने डिस्कस किया, इंटरनल इंटरवल ऑफ 4 ईयर होते हैं। डीडीएम्स की पोस्टिंग जो ग्रेड बी होते हैं, जनरली ग्रेड बी में जब एसएस मैनेजर बन जाते हैं, डीडीएम लेवल पे पोस्टिंग होती है, वहां पे फील्ड लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल में वर्क करना होता है। यहाँ पे ऑफिस में वर्क नहीं होता है, बल्कि डीडीएम का घर ही उनका ऑफिस होता है, और वो बीएलबीसी की मीटिंग्स लेते हैं। हम बैंक में थे तो हम जब मीटिंग अटेंड करने आते थे तो उस मीटिंग को है डीडीएम्स करते थे। तो ये पोस्टिंग से रिलेटेड है, मतलब स्टेट कैपिटल में पोस्टिंग, या फिर आपकी जब डीडीएम पोस्टिंग होगी तो वो आपकी जनरली वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है, तो घर में रहने का मौका भी मिल सकता है या फिर होम डिस्ट्रिक्ट को सर्व करने का मौका भी मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी चारों चीजें जो मोटिवेशन बन सकती है आपकी इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। अब इम्पॉर्टेंट तो यही है कि ये सारी चीजें, अच्छी अच्छी बातें तो तब होंगी जब हम प्रीलिम्स क्लियर करेंगे एंड देन मेंस क्लियर करेंगे एंड देन फाइनली इंटरव्यू क्लियर होगा, और वो कैसे क्लियर होगा, जब हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। प्रीलिम्स में 8 सब्जेक्ट है, मेंस में भले ही 2-3 सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इंटरव्यू अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हमने डे वाइज स्टडी प्लान आपको दिया हुआ है, एआरडी के टॉपिक्स, ईएसआई के टॉपिक्स, ईए के टॉपिक्स, इसको सुबह हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, आप उसको देख सकते हैं, इसमें कट ऑफ वगैरह ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, तो डे वाइज टारगेट बना के भी आप इसको चल सकते हैं। तो इसके अलावा जो हमारा लाइव क्लास प्लान है, आईएक्सएमबी में जो हमारी रेगुलरली लाइव क्लासेस चलती है अपार्ट फ्रॉम आवर कोर्स कंटेंट, आईएक्सएमबी में आपको क्रिस्प वीडियोस टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर मिलती है, नोट्स और उसके साथ साथ चैप्टर टेस्ट और उसके साथ साथ लाइव क्लासेस, मतलब ये आपकी चॉइस है। चैती राज इंस्टीट्यूशन आपको आज ही पढ़ना है तो 4 अक्टूबर का वेट नहीं करना है, आप कोर्स में जाएंगे तो कोर्स में इससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और जिस दिन क्लास होगी तो उसमें फिर डिटेल में डिस्कशन होगा ही होगा। कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, 40% ऑफ आपको इसमें मिल जाएगा। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फ्रॉम 5th ऑफ सितंबर, चीजें मैंने आपको बता ही दी है। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट फ्री आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, जिनका आप अटेंड कर सकते हैं। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी गुड डे।